हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आदित्य कुमार पांडे एंड आई वेलकम यू टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेप्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरोजनी नायडू द्वारा लिखी पोयम वांडरिंग सिंगर्स के बारे में। सरोजनी नायडू एक महान इंडियन पोएट हैं जिन्हें नाइटिंगल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह एक राष्ट्रवादी महिला और समाज सुधारक हैं जिन्होंने अपने पोएम्स में गांव की संस्कृति, माहौल और उनसे जुड़ी हर तरह की भावनाओं को दर्शाती है। वांडरिंग सिंगर्स पोएम द गोल्डन थ्रेशोल्ड वॉल्यूम से ली गई है जो 1905 में पब्लिश्ड हुई है। यह पोएम एक वांडरिंग सिंगर्स की है, एक गायक की है जो गांव-गांव, शहर-शहर घूमते रहते हैं और अपने गीतों के माध्यम से लोगों को मनोरंजन करते रहते हैं। उनका कोई फिक्स ठिकाना नहीं होता है, वे जहां तहां अपना बसेरा कर लेते हैं। ये अपने गीतों के माध्यम से अतीत के बीती घटनाओं के बारे में और वर्तमान में घट रही हर तरह के घटनाओं का वर्णन अपने गीतों के माध्यम से करते हैं। जैसे बात करते हैं ये पूर्व के युद्ध के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में, जन्म के बारे में, प्रेम के बारे में, दुख सुख के बारे में, महिलाओं की सुंदरता के बारे में, उनकी कोमल हंसी के बारे में, राजा महाराजाओं की लड़ाइयों के बारे में, इतिहास के बारे में और हर तरह के सुंदरताओं का वर्णन इस पोयम में की गई है जो सरोजनी नायडू बहुत ही खूबसूरती से अपने पोयम के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाती है। यह कविता कि जो राइमिंग स्कीम है इस पोएम की, वो है ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ। अगर हम राइमिंग स्कीम के बारे में बात करें, जैसे लास्ट लाइन जो है पहले स्टैंजा में, अगर हम फर्स्ट लाइन्स का सबसे लास्ट वर्ड अगर हम देखें फिट, और सेकंड अगर हम बात करें सेकेंड लाइन्स के सबसे लास्ट वर्ड स्ट्रीट, इसी तरह रूम, होम, तो ये राइम एक जैसे प्रोनाउंस हो रहे हैं उसके सिलेबल। तो जैसे फिट स्ट्रीट, तो ये क्या है, ए ए इसकी राइमिंग स्कीम है। अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन देखते हैं और समझते हैं कि सरोजनी नायडू इसमें किसकी बात करते हैं और ये क्या कहना चाहते हैं। वेयर द वॉइस ऑफ द विंड कॉल्स आवर वांडरिंग फीट। कवि यहां वांडरिंग सिंगर के बातें को समझते हुए कहते हैं कि जहां से भी हवा मुझे पुकारती है। यहाँ पे वांडरिंग सिंगर अपने खुद के बारे में कहते हैं कि जहां से भी हवा मुझे पुकारती है वहां वो स्वतंत्र रूप से उस हवा जो स्वतंत्र रूप से बहती चली जाती है और जिधर जिस दिशा में बहती है, जिस दिशा में अपना रुख बदल लेती है, तो मैं उसी की आवाज़ें सुनकर, उसकी पुकार को सुनकर अपने पैरों को उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए चल पड़ता हूँ। मैं उसी की आवाज़ें सुनकर मैं उसी के तरफ चल पड़ता हूँ। थ्रू इकोइंग फॉरेस्ट एंड इकोइंग स्ट्रीट। चाहे मैं फॉरेस्ट की तरफ अपने धुन को बजाते हुए गाते हुए जाऊं और चाहे गलियों से होकर मैं जाऊं, हर तरफ मेरी धुन गूंजते रहते हैं।
चारों तरफ इको करते रहते हैं। मतलब यहाँ फॉरेस्ट का मतलब है विलेज और स्ट्रीट का मतलब शहर है, सिटीज है। विथ ल्यूटस इन आवर हैंड्स एवर सिंगिंग वी रोम। मतलब कि हमारे हाथ में जो छोटा सा एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारे वाद्य यंत्र हैं, जिसकी आवाज़ें निकाल कर हर तरफ क्या हो जाती है, फैल जाती है, इस गांव में, इस शहर में, इस जंगल में, चारों तरफ से आवाज़ें फैल जाती हैं, गूंजती रहती हैं। और जिधर हवा मुझे पुकारती है, मैं उधर ही ये आवाज़ें निकालता हुआ निकल जाता हूँ, चल पड़ता हूँ। मतलब यहाँ पे पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि जो विंड है, जो विंड्स कॉल्स करती हैं, इसका मतलब है कि ये समय के बारे में बताया जा रहा है। मतलब लोग क्या करते हैं, भौतिक चीज़ों को, मटेरियलिस्टिक थिंग्स की चीज़ों की तरफ खींचे चले जाते हैं और अपना समय बर्बाद कर देते हैं। जिधर ये ले करके जाती है, उधर ही हम निकल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी जो राह है, जो वांडरिंग सिंगर्स की जो राह है, वे हवा की तरफ मुड़ते हुए चले जाते हैं। ऑल मैन आर आवर किंड्रेड, द वर्ल्ड इज आवर होम। ये बता रहे हैं कि हमारा संसार ही हमारा सब कुछ है। ये संसार ही मैं अपना घर मानता हूँ, ये संसार को अपना घर समझते हैं और सभी मनुष्यों को अपना संबंधी समझते हैं, अपना फैमिली समझते हैं। किंड्रेड का मतलब होता है रिलेटिव्स या फैमिली। Our lays are of cities whose luster is said। इस स्टैंजा में वांडरिंग सिंगर्स हमें बताते हैं कि वे वास्तव में किस बारे में गाते हैं। आखिर वे जो गाना गाते हुए जाते हैं, जो वे गीत गाते हुए जाते हैं, वे आखिरकार किसके बारे में गाते हैं। तो इस स्टैंजा में वो कहते हैं कि वे लेज आवर ऑफ सिटीज। लेज का मतलब यहाँ पे क्या है, सॉन्ग्स, गाना। वे किनके गीत गाते हैं, तो वे सिटीज के बारे में गाते हैं, वे शहर के बारे में गाते हैं, जिनकी लस्टर इज सेड, जिनकी चमक खत्म हो चुकी है, जिनकी खूबसूरती अब नहीं रही है। वे उन शहरों के बारे में अपने गीतों के माध्यम से कहते हैं जो अब उसकी चमक पहले जैसा नहीं रही है। द लाफ्टर एंड ब्यूटी ऑफ वुमेन लॉन्ग डेड। और उन महिलाओं के बारे में भी कहते हैं जिनकी हंसी, जिनकी सुंदरता अब नहीं है। मतलब जब वे अपना माहौल, अपना जो खुशी जीवन अच्छे तरीके से बिताए करते थे, अपना जो पास समय था, जो उनके महिलाओं को खुशी मिलती थी, वे अब उनकी सुंदरता खत्म हो चुकी है, उनकी हंसी अब खो चुकी है। उन लोगों के बारे में बातें करते हैं, वे उन महिलाओं के बारे में बातें करते हैं जिनकी जो बहुत पहले मर चुकी है,
उनकी खुशी, उनका जीवन, उनका हर हर खुशी लुप्त हो चुकी है। उसके बारे में वांटिंग सिंगर्स बात करते हैं, अपने गीतों के माध्यम से बताते हैं। द स्वर्ड ऑफ ऑल बैटल्स, द क्राउन ऑफ ऑल किंग्स। और यही नहीं, पोएट यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि वांटिंग सिंगर्स जो हैं वो इनके बारे में भी गाते हैं, इनके भी याद करते हैं। द स्वर्ड ऑफ ऑल बैटल्स, वे बड़े बड़े राजाओं के बारे में बात करते हैं, और जो अपने कार्यों के लिए जो उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, फेमस थे, उनके बारे में बातें करते हैं। वे राजा जो महान थे, जो शक्तिशाली थे, जो समाज के लिए अच्छे काम करते थे, उनके बड़े बड़े कारनामों के बारे में बातें करते हैं। युद्ध में जीत हासिल की है, अपनी आन शान को बचाने के लिए वे मिट्टी में खो गए हैं, वो शहीद हो गए हैं, उनकी गाथाओं को गाकर वांडरिंग सिंगर्स हम लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं वांडरिंग सिंगर्स बोलते हैं कि मैं उनकी महानता को अपने गीतों के माध्यम से अपना स्वर देता हूँ। And happy and simple and sorrowful things, और साथ ही हर तरह की जो खुशी है, हर तरह का जो दुख की जो बातें हैं वो गीतों के माध्यम से गाते हैं। चाहे वह खुशी हो, चाहे वह दुख हो, वो हर एक लोगों के बारे में गाते हैं जिन्होंने बिताया है, जो बहुत पहले चले गए हैं और हर दुख सुख को सहते हुए छोड़ गए हैं, उनके बारे में वांडरिंग सिंगर्स गाते हैं। पोएट यहाँ पर प्रेजेंट और पास्ट दोनों समय में बीते दुख और सुख की बातें करते हैं। ये वांडरिंग सिंगर्स यहाँ जो समय के साथ दुख और दुख किसी के सामने बीत रहा है वो सब यहाँ पर बताते हैं। What hopes shall we gather? What dreams shall we show? का मतलब है कि कोई फसल बोना, मतलब यहाँ पे क्या मीनिंग है कि व्हाट हॉप्स शैल वी गैदर, व्हाट ड्रीम शैल वी शो। यहाँ इस लास्ट स्टैंजा में पोएट रिटोरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब कि वैसा सवाल जिसका आंसर में कंफ्यूजन हो, एग्जैक्ट नहीं निकल पा रहा कि उसका एक सही जवाब कौन सा होगा। यहाँ वांडिंग सिंगर कहते हैं कि किसी चीज़ को पाने के लिए आपको होप और ड्रीम्स दोनों होने चाहिए, पर वांडिंग सिंगर कहते हैं कि हम क्या उम्मीद करें, कौन से सपने सजाएं, ये तो सब भौतिक चीज़ें हैं, ये तो एक मेटेरियलिस्टिक थिंग्स है, हम इन चीज़ों के प्रति क्यों भागें, किसके लिए भागें। यहाँ पर किसी चीज़ की डिज़ायर, यहाँ पर जो डिज़ायर है वो इनकी किसी तरह का डिज़ायर नहीं है, उनके पास कोई किसी तरह का भूख नहीं है, ना इन्हें धन दौलत की, ना ही भोग विलासिता की, ना ही ऐसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों की जो इन्हें खींच ले, वे इन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि वांडरिंग सिंगर भविष्य की चिंता नहीं करते हैं, उन्हें भविष्य में होने वाले किसी भी जो डिज़ायर्स है, जो हॉप है, जो ड्रीम्स है,
जो योजनाएं हैं उसके बारे में चिंता नहीं करते हैं और ना ही उन इनके प्रति मरते हैं। वे केवल वर्तमान की परवाह करते हैं और इन्हीं की चिंता करते हैं। Where the wind calls our wandering footsteps we go। और मैं इन चीजों को छोड़ते हुए मैं उधर ही चला जाता हूं जिधर हवा मुझे पुकारती है। वे संसारिक वस्तु से मुक्त हैं और आजाद होकर के उधर उधर गांव शहर जंगल में अपने वाद्य यंत्र के साथ बजाते हुए घूमते फिरते रहते हैं। जिधर हवा जाती है उधर ही वो निकल पड़ते। नो लव बीट्स अ स्टेरी, नो जॉय बीट्स अ स्वीट। कोई भी प्यार इन्हें रोक नहीं सकता। इनके अनुसार उनके पास प्रेम की कोई वस्तु नहीं है जो उन्हें एक स्थान पर रोक सके और ना ही वे मटेरियलिस्टिक चीजों की खुशी के खातिर एक जगह रुकना पसंद करते हैं। वे हमेशा उस तरफ चले जाते हैं जिधर हवा उन्हें पुकारते हैं। द वॉइस ऑफ द विंड इज द वॉइस ऑफ आवर फेट, क्योंकि उनके अंदर ही प्यार है। वे कहते हैं कि पूरा संसार तो ही हमारा घर है और यहाँ जो सारे लोग हैं वो हमारे रिलेटिव्स और फैमिली तो ही हैं, तो मैं किस कारण में किसके लिए मैं भागूँ, मैं किसके लिए इस मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भागूँ। वे मटेरियलिस्टिक चीज़ों को किनारे करते हैं और वे अपने धुन बजाते हुए गांव होकर के उस स्ट्रीट से होकर के उस विलेजेस से होकर के उस शहर से होकर के हवा की तरफ निकल पड़ते हैं, उनकी तरफ चले जाते हैं। जैसे प्रकृति चाहेगी वैसे करते हैं। द वॉइस ऑफ द विंड इज द वॉइस ऑफ आवर फेट, जैसे प्रकृति चाहेगी वैसे ही हमारे साथ होगा और हमारी किस्मत में जिधर जाने को लिखा है वही नियति है। मतलब कि जिधर हवा मुझे ले जाएगी मैं उधर ही निकल पड़ता हूँ, क्योंकि हमारा संसार ही सब कुछ है, हमारा प्रकृति ही सब कुछ है और मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ नहीं भागूंगा, मैं उन चीज़ों की तरफ भागूंगा जो प्रकृति से है, जो नेचर, जो हमें नेचर हमें पुकारेगी, मैं उस तरफ जाऊंगा। अब नीचे कुछ इसके समरी दिए गए हैं, आप समरी को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से वांडरिंग सिंगर्स में सरोजनी नायडू ने अपने बातों को रखे हैं एक वांडरिंग सिंगर्स के माध्यम से और हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये अपने शब्दों को बताते हैं। कुछ नीचे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो आप देख सकते हैं और इनके कुछ लिटरेरी डिवाइसेस भी हैं, जैसे एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है फर्स्ट लाइन्स में। अगर हम पोइम्स के फर्स्ट लाइन्स में देखें वेयर द वॉइस ऑफ द विंड कॉल्स आवर वांडरिंग फीट, तो इसमें अगर हम बात करें कि व का साउंड हो रहा है जैसे डब्ल्यू, ठीक है, यहाँ पे वॉइस है तो व का भी साउंड हो रहा है तो इसे भी हम काउंट करेंगे, तो डब्ल्यू वी फिर डब्ल्यू यहाँ पे है, तो ये क्या है, एलिट्रेशन है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। और फिर हम बात करें वेयर द विंड कॉल्स आवर वांडरिंग फुटस्टेप्स, यहाँ पर भी है एलिट्रेशन। मेटाफर का बात करें तो यहाँ पे द वॉइस ऑफ द विंड्स कॉल रेफर्स कर रहा है उस समय को, उस चेंज, उस बदलाव को। सेकंड में अगर हम बात करें सेकंड लाइन में इकोइंग फॉरेस्ट, इकोइंग स्ट्रीट जो एक विलेजेस को रेफर्स करता है और स्ट्रीट यहाँ पे सिटीज़ को रेफर कर रहे हैं,
पर्सोनिफिकेशन का भी यूज़ बहुत ही अच्छे तरीके से सुरेंद्र नायडू ने यहाँ पे यूज़ किए हैं, जैसे सोरोफुल थिंग्स रेफर कर रहा है एक ह्यूमन क्वालिटी को जो सैडनेस ऑफ ह्यूमन के बारे में बताते हैं। और भी ऐसे पोएटिक डिवाइसेस हैं इसमें, जैसे रिपीटेशन का यूज हुआ है। तो इसके माध्यम से, वांडरिंग सिंगर्स के माध्यम से सुरेंद्र नायडू बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों के सामने अपने इंडियन कल्चर के बारे में बताते हैं, उनके ट्रेडिशनल के बारे में बताते हैं, उनके संस्कृति के बारे में बताते हैं कि वे कैसे एक वांडरिंग सिंगर्स घूमते फिरते मनोरंजन करते हुए हम लोगों को अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उम्मीद करता हूँ यह पोयम आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।